आज की वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको बता दें कि आज श्री माता वैष्णो देवी भवन पर काफी तेज धूप आज पूरा दिन देखने को मिलने वाली है और इसकी वजह से यात्रियों को क्या परेशानी होगी उसके बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। साथ साथ आपको बता दें कि कल शाम को लगभग 2 किलोमीटर तक की लंबी लाइन लग चुकी थी। आइए वीडियो के अंदर बने रहते हैं और पूरी वीडियो के अंदर जानते हैं राम बाबू जी से, जो हमारे टीम मेंबर है, कैसा माहौल है वहाँ पर। कम से कम 1.5 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है और सभी भक्तगण अपने अपने बारी में लगे हुए हैं और सभी भक्तगण हैं जो अपने नंबर में आ रहे हैं और सभी लोग कतार से कतार आ रहे हैं, कोई भी इधर उधर नहीं जा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरा साथ दे रहा है और सभी यात्रियों को जय माता दी, आपकी यात्रा मंगलमय रहे। मैं राम बाबू वैष्णव, वार्ड नंबर 3, भोपाल, मध्य प्रदेश। जय माता दी। ये फुटेज जो आप देख रहे हैं ये हैं कल यानी कि 8 जून 2024 और रात के लगभग 8 बजे के आसपास की फुटेज, इसे हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन RFID कार्ड को बनवाने के लिए। और आपको बता दें कि ये जो लाइन है ये कटरा चौक पर स्थित RFID कार्ड काउंटर से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास तक इतनी लंबी लाइन ये लगी हुई है। ये लाइन कटरा चौक से होते हुए और स्टेशन रोड तक जा रही है। स्टेशन रोड में जहां पर आप नीचे की तरफ रेलवे स्टेशन आ जाता है उससे भी ये आगे साइड में मुड़कर काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन ये हो रही थी। आपको बता दें लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में इसकी लंबाई रही होगी। तो आप इस पूरा वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर संख्या है यात्रियों की। और हम पिछले काफ़ी दिनों से यही बात कर रहे थे कि वीकेंड पर जब शनिवार और रविवार का दिन होता है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धालु बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि ये लाइन केवल RFID कार्ड बनवाने के लिए है और अभी तो इनकी यात्रा शुरू भी नहीं हुई है। आप सभी को बता दें कि RFID कार्ड लेना यात्रा के लिए ज़रूरी होता है। अगर आपके पास RFID कार्ड नहीं होता है तो आपको यात्रा के अंदर शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि RFID कार्ड से ही आपको आगे जाने की इजाज़त मिलती है। आप सभी को एक बार फिर से बता दें कि जून का महीना है, छुट्टी का माहौल है और सभी लोग इस महीने के अंदर आने की अपनी इच्छा रखते हैं और इसी कारण से ये वही महीना होता है जब सबसे ज़्यादा यात्रियों की संख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि लगातार हमारी वीडियो आगे चलती जा रही है और ये लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही है। काफ़ी ज़्यादा सट कर भी यहाँ पर लोग खड़े हैं, उसके बावजूद भी इतनी लंबी ये लाइन है कि अभी तक आगे ये बढ़ती ही जा रही है। हमारे टीम मेंबर राम बाबू जी ने बताया, जो भोपाल से यहाँ पर यात्रा करने के लिए आए हुए हैं और जिनकी सहायता से ही हम ये फुटेजेस देख रहे हैं, उनका कहना था कि रेलवे स्टेशन पर स्थित RFID कार्ड काउंटर को 7 तारीख को भी बंद किया गया था और उनका कहना था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लग जाती है जो रेलवे प्रशासन द्वारा काबू में नहीं आती, इसलिए RFID कार्ड काउंटर जो रेलवे स्टेशन पे था उनके अनुसार वो उस दिन बंद ही था। क्योंकि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये भी स्टेशन के पास से जा रही है, अगर स्टेशन पर भी RFID कार्ड काउंटर है तो वहाँ पर भी लोगों को लाइन में लगना चाहिए था, लेकिन ये लाइन स्टेशन तक पीछे तक जा रही है और वहाँ पर स्थित RFID कार्ड काउंटर पर ऐसी लाइन देखने को नहीं मिल रही है। तो राम बाबू जी का कहना यही था कि वहाँ पर RFID कार्ड को नहीं बनवाया जा रहा है। अब उस दिन किस वजह से ये RFID कार्ड काउंटर बंद थे रेलवे स्टेशन के, उस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि कई बार ज़्यादा रश होने के कारण कार्ड काउंटर को बंद किया जाता है और शायद यही रीज़न रहा होगा कि जो रेलवे ने अपने RFID कार्ड काउंटर को बंद किया था उसी की वजह से यहाँ पर भी इतना ज़्यादा लंबी लाइन लग गई है कि सभी लोग जो अपने स्टेशन से ही कार्ड बनवा सकते थे उन्हें कटरा चौक पर स्थित कार्ड काउंटर की लाइन में लगना पड़ रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कटरा के अंदर कितना ज़्यादा चहल पहल है, पुलिस प्रशासन और अर्धसैनिक बल यहाँ पर इस रश को कंट्रोल करने में बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, इतनी लंबी लाइन होने के बावजूद यहाँ पर अर्धसैनिक बल ने काफ़ी अच्छे से पूरे रश को संभाला हुआ है। अब हम लाइन के साथ चलते चलते आ पहुँचे हैं कटरा चौक के पास और यहीं पर RFID कार्ड काउंटर है। थोड़ा सा आगे और बढ़ना पड़ेगा, इस लाइन के साथ साथ ही चल के आपको दिखाते हैं कि ये RFID कार्ड काउंटर जो फाउंटेन चौक है ठीक उसके पीछे स्थित है, जहां पर ये सभी यात्री जितने भी लाइन में हमें दिख रहे हैं ये सभी इसी RFID कार्ड काउंटर के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। फिलहाल हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर ही यहाँ पर कार्ड काउंटर आ चुका है और अगर टोटल समय की बात करें तो जितना लंबा ये लाइन है इसमें लगभग 2 से
3 घंटे या 3 घंटे से भी अधिक यहाँ पर लोगों को लग रहे हैं कि अपना केवल RFID कार्ड को बनवाने के लिए। और आपको बता दें कि इतने रश होने के बावजूद भी ऑनलाइन यात्रा पर्ची बनवाने वालों के लिए कोई भी अलग से विशेष लाइन की सुविधा यहाँ पर नहीं है। अगर आपके पास यात्रा पर्ची है तो भी आपको इस लाइन के पीछे ही लगना पड़ेगा, कोई विशेष फायदा आपको नहीं होने वाला है यात्रा पर्ची का। साथ ही साथ आपको बता दें कि RFID कार्ड काउंटर की लाइन सुबह 5 बजे से लगनी शुरू हो जाती है और यहाँ पर यात्री उसके अंदर सुबह 3 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं, इतना रश यहाँ पर अब होने लगा है। साथ साथ ये लाइन रात को 8 बजे तक ही लगती है, 8 बजे RFID कार्ड काउंटर को बंद कर दिया जाता है, उसके बाद आपका RFID कार्ड नहीं बन सकता है। अगर इसके बावजूद भी अगर आप रात के समय RFID कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ताराकोट मार्ग पर अपनी ऑनलाइन यात्रा पर्ची दिखानी होती है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट मौसम के हाल के बारे में, जानते हैं कैसा मौसम आज पूरा दिन बना रहने वाला है। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को जय माता दी। आज का मौसम आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छी धूप पूरी कटरे में खिली हुई है, बहुत ही तेज धूप है आज और आज मौसम बिल्कुल साफ है। तो जैसा कि राम बाबूजी जो हमारे यक्षोम टीम मेंबर हैं और वो यात्रा पर पहुंचे हुए, आज सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास का ये वीडियो है और साफ तौर पर उन्होंने दिखा दिया कि कितना तेज यहाँ पर धूप खिली हुई है और इसको हम चिलचिलाते धूप भी कह सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज ये जब कटरा के इस रोड पर लग रही है तो जब हम पहाड़ पर इस यात्रा को करते हैं तो बिल्कुल सीधी धूप आपको यात्रा के समय थोड़ी सी परेशानी में डाल सकती है। कोशिश ये करें कि अगर आप इस यात्रा को दिन के समय कर रहे हैं तो अपने साथ ग्लूकोज वगैरह जरूर रखें जिसको पीने पर आपको डिहाइड्रेशन के खतरे से बचा जा सकता है। आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे, जितना ज़्यादा आप लिक्विड लेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है क्योंकि काफ़ी तेज़ ये धूप हमें देखने को लग रही है। इसके साथ साथ बात करें अगर अर्थ क्वारी के वेटिंग टाइम के बारे में तो अर्थ क्वारी के अंदर देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश है और कल की बात करें तो कल यहाँ पर 56 घंटे का वेटिंग टाइम दिया जा रहा था, लेकिन आज की बात करें लगभग आज भी 72 घंटे के आसपास का वेटिंग टाइम सभी लोगों को दिया जा रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश यहाँ पर अब हो चुका है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग के अंदर भी दिखाया कि कितनी ज़्यादा लंबी RFID कार्ड को बनवाने के लिए लाइन लगी हुई थी और अर्थ क्वारी में भी देख सकते हैं कि रोज़ कुछ इसी तरीके का आलम यहाँ पर रहता है। यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि ये यात्री की संख्या इस पूरे महीने रहने वाली है और ख़ासकर जब सैटरडे और संडे रहता है तो और भी ज़्यादा यहाँ पे यात्रियों की संख्या हो जाती है और आज लगभग 50,000 से ज़्यादा संख्या में लोग रहने वाले हैं। तो ये थी आज की बिल्कुल ताज़ा अपडेट, बिल्कुल ताज़ा वीडियो के साथ हमने आपको आज का पूरा डिटेल दे दिया है। आज सुबह 9:30 बजे का भी हमने एक वीडियो दिखाया जिसके अंदर काफ़ी तेज़ धूप यहाँ पर देखने को मिल रही थी। पूरा दिन कुछ इसी प्रकार से आज मौसम रहने वाला है, तेज़ धूप बिल्कुल खिली रहेगी। कोशिश करें आप दोपहर के वक्त यात्रा ना करें, आप आज ही आने वाले दिनों में यहाँ पर आने वाले हैं तो रात के समय यात्रा करेंगे तो आप धूप की परेशानी से बच सकते हैं या फिर आपको सुबह 5 बजे के आसपास ही अर्ली मॉर्निंग यात्रा करनी चाहिए जिससे आपको ये धूप वाली परेशानी ना हो। फिलहाल पूरा महीना कुछ इस तरीके से निकलने वाला है और इसी तरीके से जानकारी आपको हम हमेशा देते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं आपको रोज़ इसी तरीके से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके साथ साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ साथ अन्य लोगों तक पहुँचाने के इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि सभी लोगों तक माता वैष्णो देवी की बिल्कुल ताज़ा जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं कल एक और नई ताज़ा अपडेट में, तब तक सभी भक्तों को जय माता दी। मेरा बुलावा जिसको जाए वो ही दर्शन करने आए, घर पे मेरे किस्मत वाला ही आए, मेरी ममता वो पाए, माँ के भवन में हो जयकार, जय जयकार, माँ के भवन में हो जयकार।